आलोत्रा से बाड़मेर की तरफ बढ़ते हुए 7-8 किलोमीटर दूर खेड़ मंदिर। अभी अपन तिलवाड़ा के पास से निकल रहे हैं। ये वही जगह है जहां पर राजस्थान का सबसे बड़ा मल्लीनाथ पशु मेला लगता है। मैं बाड़मेर की तरफ जाते हुए पास में क्वास से गुजर रहा था, जहां पर जिप्सम की फैक्ट्रियां फेमस है, और हम इस ऐसी ही एक फैक्ट्री के अंदर आए हुए हैं। ये जिप्सम है। जिस समय कैमरामैन बन गए हैं नरपत सिंह जी, और मैं यहाँ पर खाना खा रहा हूँ बाड़मेर में। बाड़मेर में इस समय मैं खा रहा हूँ बाजरे की रोटी, लहसुन की चटनी, आलू की सब्जी, कड़ी की सब्जी, खीर, खीर और दही और दही। ये है नरपत सिंह जी, और ये ग्रीन मैन साइकिलिस्ट हैं, ऑल इंडिया ट्रैवल कर रहे हैं और पर्यावरण प्रेमी हैं, पेड़ पौधे लगाते हुए जाते हैं। तो इन आइए इनके बारे में जानते हैं। सर, आप थोड़ा मार्गदर्शन करें। मेरी यात्रा फर्स्ट यात्रा उदयपुर से शुरू की थी मैंने, और बाड़मेर में ख़त्म हुई थी, वो 500 किलोमीटर की थी। उसके बाद में की थी जम्मू से कच्छ गुजरा, जहाँ पर न पौधे है न पानी है। जो उस टाइम लोगों का जो प्यार उसने मिला नहीं, मुझे दिल को छू गया। उस टाइम ख्याल आया कुछ एक लंबी यात्रा की जाए, तो उस टाइम मैं दिल में ख्याल लेकर के जब यात्रा पूरी हुई तो अगली यात्रा के लिए तैयारी शुरू कर ली। 27 जनवरी 2019 को मैं निकल गया विश्व की सबसे लंबी यात्रा पर, पर्यावरण और जल संरक्षण का संदेश लेकर के, जो पूरे भारत को नापती हुई अभी मेरी यात्रा यहोसुर तमिलनाडु पहुँची है, 21,000 किलोमीटर कवर करके। कोरोना कारण मेरी यात्रा रोकी गई है। मेरी यात्रा के दौरान मैंने हर स्कूल जो रास्ते में आई है उस स्कूल के अंदर मैंने 2-2 पौधे लगाए हैं। उन पौधों को उस विद्यालय स्टाफ को संकल्प दिलाया, अपने बच्चों की तरह इन पौधों से प्रेम करके इन पौधों को पेड़ के रूप में रूप दे। तो बच्चों को संकल्प दिलाता था, उनको पौधों के प्रति प्रेरित करता था, ये पौधा आपका होगा, आप जब बूढ़े हो जाएंगे तो इस पौधे पर चिड़िया बैठेगी और फल लगेगा, बहुत खूबसूरत, तो छोटे बच्चे लड़ेंगे। कहावत है तो कच्चा लोहा होता ना उसको जीचा डाल सकते हैं, लोहा पकने के बाद में डलता नहीं टूटता है। तो हर काम में इंटरेस्टेड ज़्यादा बच्चे छोटे होते हैं, इसलिए मैं छोटे बच्चों के साथ पेड़ पौधे लगाने का और मेरा जो भी यात्रा का कुछ विवरण बताने के लिए इच्छुक रहता था। राजस्थान का राज्य पुष्प चिंकारा है, हिरण जो मैंने 133 बताई है, सॉरी 136, 4 मोर, 4 खरगोश, 1 नीलगाय, 1 बाज, 2 शिकारियों को भी पकड़ाया। राजस्थान का पहला काम, देश प्रथा को मानते हुए मैंने मेरी बहन की शादी में 251 पौधे भेंट किए थे, वो राजस्थान का पहला काम है। विशेष मुँह पक्षियों को इधर उधर भटकना ना पड़े गर्मी के दिनों में, दाने पानी की व्यवस्था करता हूँ। ज़्यादातर मेरी यात्रा शहर से ना गुजर गाँव से गुजरी है, क्यों, मेरा भारत गाँव में बसता है और पौधे लगाने के लिए जगह होती है वो गाँव में होती है, शहर में नहीं होती है। शहर में कहीं भी जाते सबसे पहले अपन पार्किंग ढूंढते हैं, पार्किंग कहाँ होगी। किसी भी सामाजिक कार्यक्रम या निजी कार्यक्रम में कम से कम एक पौधा लगाकर उस पौधे को सुरक्षित जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपकी कहानी और आपका उद्देश्य बहुत खूबसूरत है और गर्व देने वाला है। हम आशा करते हैं कि आपकी यात्रा इसी तरह चलती रहे, आप अपने हर कार्य में सफल हो और भी आपके साथ कारवां जुड़ता चला जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो वसुधैव कुटुंबकम दोस्तों, स्वागत है आप सबका बाड़मेर में। क्षेत्रफल की दृष्टि से 28,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ बाड़मेर जोधपुर, पाली, जैसलमेर और पाकिस्तान बॉर्डर के साथ में सीमा साझा करता है। और इस समय मैं बाड़मेर के एक पास के गांव महाबार में हूं,
जहाँ पे रेत के टीले होते हैं। मैं पिछले एक घंटे से यहाँ बैठा हुआ हूँ और ये नज़ारा इतना अच्छा है कि मन ही नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का। बाड़मेर में प्राकृतिक गैस, तेल, इन सब की खदानें हैं और इसके लिए काफ़ी फेमस है ये। बाड़मेर ज़िला बनने से पहले जूना बाड़मेर के नाम से जाना जाता था। जूना बाड़मेर एक जगह थी, फिर वहाँ से राजधानी उठ करके बाड़मेर में आ गई, जूना अलग रह गया, तो अब ये पूरी तरह बाड़मेर की तरह जाना जाता है। तो ऐसी ही कुछ बातें मैं आपको बताता रहूँगा और आगे बढ़ते हैं और बाड़मेर की थोड़ी फील लेते हैं। चलो चलते हैं। इस समय आप जिस तरफ देख रहे हैं मैं उस तरफ से आया हूँ, बाड़मेर शहर से होते हुए, और जो आप नीचे वहाँ देख रहे हैं वो महाबार गांव है, जहाँ से एक रास्ता इस तरफ आता है महाबार सैंडियम्स की तरफ। और महाबार के धोरे देखते हुए जब आप बाड़मेर शहर की तरफ वापस आएँ तो ये सफ़ेद अखाड़ा, सिद्धेश्वर महादेव जी का मंदिर, इसे देखते हुए ज़रूर जाइएगा। इस समय अपन हाथमा गांव के पास में बाड़मेर से 40 किलोमीटर दूर चल रहे हैं। इस समय अपन यहां किराड़ू मंदिर देखने आए हैं। स्वागत है आपका राजस्थान के खजुराहो किराड़ू में। ये किराड़ू मंदिर है जिनका निर्माण 11वीं और 12वीं शताब्दी में हुआ था और ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण किरार वंश ने करवाया था। इसके बारे में ज़्यादा तो नहीं जानता हूँ, लेकिन शायद जो जानना चाहता हो उसके लिए एक हिंट मिल जाए। किराड़ू मंदिर यहाँ पर 5 मंदिरों का एक समूह है। इस समय अगर आप देखेंगे तो 2 ही मंदिर सही अवस्था में है, एक तो शिव जी का मंदिर सोमेश्वर मंदिर और विष्णु जी का मंदिर। किराड़ू 11वीं और 12वीं शताब्दी में एक समृद्ध नगरी थी, लेकिन विदेशी आक्रमणों के कारण इसका काफ़ी विनाश हुआ है। जब आप गेट से एंटर करते हैं तो आप देखते हैं कि एक आंगन सा बना हुआ है जहाँ पर ये 5 मंदिर हैं, और जैसे ही आप इनको पहली बार देखते हैं तो ये मंदिर आपका मन मोह लेते हैं। और यहाँ पर एक प्राचीन मान्यता और है इसके बारे में, जो शायद झूठी है क्योंकि मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, उसमें लोग रात को रुके थे तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था, कि यहाँ पर एक ऋषि थे जो अपने शिष्यों के साथ में रहने के लिए आए थे पुराने टाइम पर, और ऋषि कुछ दिनों के लिए बाहर चले गए, तो थोड़े दिन बाद लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके शिष्यों का किराड़ू नगरी में किसी ने ध्यान नहीं रखा, तो वो क्रोधित हो गए और उन्होंने पूरी नगरी को श्राप दे दिया कि ये पूरी पत्थर की बन जाएगी जो भी यहाँ रुकेगा, और पूरा छिन्न भिन्न हो जाएगा ये, और उसके बाद से यहाँ कोई नहीं रहता है, और ख़ासकर शाम को 6 बजने के बाद में यहाँ कोई नहीं रुकता है। लोगों का मानना है कि श्राप की वजह से जो यहाँ रुकेगा वो पत्थर बदल जाएगा, लेकिन 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 ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। रात के टाइम पर अगर आप अपने घर पे रहो तो ज़्यादा अच्छी चीज़। बाड़मेर बॉर्डर एरिया है, इसकी सीमा पाकिस्तान की बॉर्डर से जुड़ती है। यहाँ पर कई जगहों पर BSF के मिलिट्री कैंप बने हुए हैं और फाइटर प्लेन यहाँ पर उतरते हैं। मैं बस में था जब हम उस गांव से होकर गुजर रहे थे जहाँ पर मिलिट्री कैंप था, और हमारी बस के सारे कांच बंद करवा दिए गए, सबसे कह दिया गया कि अपने फ़ोन वगैरह अंदर रख लो। तो और जब उसके बीच में से निकल रहे थे ना तो आसपास टैंक रखे हुए हैं, गाड़ियाँ आ रही है जवानों की, तो एक अलग ही फीलिंग थी यार, बहुत तगड़ी। यहाँ आने के लिए अगर आपका आपके पास पर्सनल व्हीकल है तो कोई दिक्कत है ही नहीं, और नहीं है तो बाड़मेर के गडरा रोड सर्किल से बस लगती है यहाँ आने के लिए 9 बजे सुबह, और ये आपको मंदिर के पास में छोड़ देगी। लेकिन वापस जाने के लिए आपको 4 किलोमीटर थोड़ा चलना पड़ेगा हाथमा गांव तक, या जो मेन रोड आता है हाईवे, और फिर वहां से आपको वापस लौटने के लिए बसें मिल जाएंगी। लाला बोर छकाएगा थोड़े से।
दोस्तों बस तो लेट आएगी और मैं चल दिया हूँ गड्डी में। तो ये पनिहारी प्रिंट्स भी मार्केट के अंदर थी और पीछे जिस तरफ से ये रास्ता जा रहा है वो पहाड़ी दिख रही है, वो जोग माया मंदिर की तरफ जाता है और सामने ये है मार्केट यहाँ का और ये रास्ता सीधा जाता है बाड़मेर रेलवे स्टेशन की तरफ। आए हैं और ये रास्ता आगे की तरफ बढ़ते हुए इधर आता है और आगे बढ़ते समय ये एक वैली बन जाता है जो फिर नीचे उतरती है और वापस ऊपर की तरफ चढ़ती है जहाँ पर वो आप अगर झोपड़ी देख सकते हैं और फिर ये रास्ता आगे बढ़ता है एक पगडंडी के सहारे वोल्केनिक पहाड़ियों से होते हुए और इस पहाड़ी के पीछे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर गूगल वाटिका है और जब आप लोड करके आएंगे तो इस तरह आप देखते हुए आ सकते हैं और पूरी वो जो पगडंडी है वहाँ पर पीछे वो पत्थरों की बनी हुई है और एक तरीके से आप यहाँ पर एडवेंचर करने के लिए आ सकते हैं। यह है मरुस्थली प्रदेश में उगने वाले कैक्टस, यहाँ ज़मीन भी देखेंगे तो पत्थर की है और कई महीनों तक इन्हें पानी ना मिले तो भी इसी तरह हरे भरे भरे बने रहते हैं। नन्हे पर तो फूल भी आ रहा है। तो दोस्तों ये था बाड़मेर शहर और अब अपन आगे बढ़ रहे हैं जैसलमेर की तरफ। रास्ते में मैं कपूड़ी गांव के पास में और यहाँ पे एक होटल है वहाँ पे ये दोस्त लोग जैसलमेर की तरफ जा रहे थे अपनी अपनी बाइक पे और इनको देख करके एक तरफ से खुशी भी होती है दूसरी तरफ जलनी मस्ती है मैं अकेला निकला हुआ हूँ। मुझे भी अपने दोस्तों की याद आती है इनको देख करके तो इनसे मिल करके अच्छा लगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। बाड़मेर से आगे निकल कर जब सीहोर से होते अपन जैसलमेर जाते हैं तो थोड़ी दूर आगे ये रास्ता उंडू की तरफ जाता है इधर और ये रास्ता जैसलमेर। तो उंडू वो जगह है जहाँ पर रामदेव जी का जन्म हुआ था। अपन कोशिश करेंगे कि वहाँ भी जाकर के अपन आ सकें क्योंकि जो एक बाड़मेर की खास जगह है। तो चलते हैं अभी आगे और अभी तो शाम होने वाली है यहीं कहीं रुकने की व्यवस्था देखते हैं। मैं फिर से गुंगा गाँव में आ गया हूँ रामदेव जी का मंदिर देख करके और धन्यवाद भाई भैया आपकी वजह से मैं मंदिर देख पाया। मैं जैसलमेर की तरफ बढ़ रहा था बीच में रुका था तो भैया मेरे को बाबा के दर्शन करा लाए बहुत धन्यवाद। ये एक छोटी सी ढाणी है गुंगा गांव की और मैं इस जगह पे रुका हुआ हूँ और ये इनका घर है जिनके यहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ। ये जो झोपड़ी नुमा आप आवाज़ देख रहे हैं ये खास तौर पे मेहमानों के लिए बनाया गया है। आइए इसके अंदर चलते हैं। ये देखिए तो ये है जैसलमेर और बाड़मेर के बीच एक गांव और वहां पर मेहमानों के रुकने के लिए बनाई गई एक जगह। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों और यहां से अब जैसलमेर लगभग 100 किलोमीटर है
धन्यवाद सर जो आपने इतनी आवभगत करी, और अब आगे बढ़ते हैं, फिर कभी मिलना होगा, देखते हैं, चलते हैं दोस्तों। और ये हम आ गए हैं हाईवे पे। वाह, जैसलमेर की तरफ जाने का रोड कितना साफ, कितना सीधा। और ये बोर्ड लगा हुआ है रिको औद्योगिक क्षेत्र देव का, उधर से इधर ये कच्चा रास्ता जा रहा है मंदिर की तरफ। कोई नहीं है अभी। सूर्य मंदिर का जो मुख होता है वो ज़्यादातर पूर्व की तरफ ही होता है, जैसा कि इस तरफ इसका मुंह है और पीछे यहाँ सूरज उगा हुआ है। इस मंदिर का निर्माण भी 12वीं शताब्दी में हुआ था। अब किसने करवाया इसके बारे में तो जानकारी नहीं है, लेकिन ये जो शिल्प कला उसी समय की है, ये अभी के टाइम की नहीं हो सकती। उस समय के मंदिरों की खास बात ये थी कि ये पत्थरों की परतों से बनाए जाते थे, तो मतलब इस तरह पत्थर रखे जाते थे एक के ऊपर एक कि ये किसी भी तरह के भूकंप को भी सहन कर जाएं, और इनमें सीमेंट वगैरह कुछ नहीं लगाया जाता था, सिर्फ पत्थरों को एक के ऊपर एक इस तरह रखा जाता था, पूरा मंदिर तैयार हो जाता था। जितना मैंने पढ़ा था इनके बारे में, यहाँ पे विष्णु जी, शिव जी और गणेश जी की मूर्तियाँ होनी चाहिए थी, और मुझे दिखी नहीं, किया जा रहा है। और वहाँ पे मोर और कबूतर दाना चुग रहे हैं, दूर भाग रहे हैं। तो आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो साइकिल चलाते रहिए, स्वस्थ रहिए, जवान रहिए, और देखते रहिए कि बिट्टू कहाँ जा रहा है।